हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और आपका स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस पोटली में। तो हमने पिछली कक्षा में पार्ट वन देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। आज हम देखेंगे उसी का पार्ट टू, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। इसमें हम देखेंगे पहला नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होता है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा भी था तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल यह जो है सेल है, यह अपना काम करती है एक विद्युत आवेग के जैसे, एक बिजली के झटके जैसे अपना काम करती है, करंट प्रवाहित करती है ब्रेन स्टेम, ब्रेन से पूरे मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र में। दैट कम्युनिकेट विथ अदर सेल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा एक सूचना को दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है वीआई स्पेशलाइज्ड कनेक्शन कॉल्ड साइनेप्सिस। साइनेप्सिस जो होता है, ये एंड पार्ट में सेल के कोशिका के, तंत्रिका कोशिका के एंड पार्ट में ये लगी होती है, मसल से जुड़ी होती है, जो कि कनेक्शन को एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाने में सहायता करती है। प्लांट एंड फंगी डू नॉट हैव नर्व सेल्स, प्लांट और फंगी में नर्व सेल्स नहीं पाए जाते। दूसरा देखते हैं ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स जो है, ग्लैंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स। ये सेक्रेटरी क्या है, एपिथेलियल सेल की बनी होती है। ये आपका ग्लैंड सेल्स जो हो गया, मोस्टली एपिथेलियल सेल से बना होता है। अ ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडी दैट सिंथेसाइज सब्सटेंस सच एज हार्मोन। ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है एनिमल और ह्यूमन बॉडी में, हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, तो ये जो है एक कैविटी में रिलीज करेगी तो उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, या ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगी तो उसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। ग्लैंड्स आर टू टाइप्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन रिलीज करती है। दूसरा एक्सोक्राइन जो कैविटी या आउटर सरफेस में आपका हार्मोन रिलीज करती है, उसको एक्सोक्राइन या बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां बोलेंगे। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में आते हैं आपके तीन प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले देखते हैं आरबीसी को। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। इसका काम क्या होता है, लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे बॉडी में ये भेजता है, बॉडी के एक एक सेल तक भेजता है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी जैसा कि आप जानते हैं, ये इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता करता है। इसे रक्षक कोशिकाएं या फाइटर सेल्स बोला जाता है, सिपाही कोशिका भी बोला जाता है। इन्फेक्शन से लड़ता है और हमारे इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है। दीज हेल्प फाइट इन्फेक्शन एंड एड इन द इम्यून प्रोसेस। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी प्रकार देखिए, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये पांच प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इसे टी सेल्स और बी सेल्स भी कहा जाता है। थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि रक्त जमाने में सहायक होता है। जब कभी हमको चोट लग जाता है तो रक्त जमता है, खून जमना जम जाता है या खून का बहना रुक जाता है, तो इसलिए कारण होता है प्लेटलेट्स के कारण, जो कि थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। यह एक जाल जैसा बना लेता है चोट में, और यह जाल क्या होता है, रक्त के बहाव कम कर देता है, रक्त का बहने को रोक देता है, यह थ्रोम्बोसाइट्स। 55% हमारे ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है और बाकी 45% ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो चौथा है आपका जेनिटल सेल या जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं जो होती है, मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है। फीमेल में ओवम अंडाणु होता है और मेल में स्पर्म या शुक्राणु होता है, जो कि स्मूथ सेल से बनता है। अगला आइए, पांचवा नंबर का आपका अस्थि कोशिकाएं या बोन सेल्स। बोन सेल्स मुख्यतः चार प्रकार की होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, बोन लाइनिंग सेल, ऑस्टियोसिस्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। चार प्रकार की, ऑस्टियोब्लास्ट, बोन लाइनिंग सेल, ऑस्टियोसिस्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। फंक्शन देख लीजिए इसका, बोन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन मोमेंट में फंक्शन होता है, चलने फिरने मदद करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। जितने भी हमारे शरीर के अंदर सॉफ्ट टिश्यू या सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, सबको ये सपोर्ट करता है, क्योंकि ढांचा के रूप में हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद देखिए, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बोन मुख्यतः कैल्शियम का बना होता है, तो इसमें कैल्शियम को होना जायज बात है, और ये कैल्शियम का स्टोरेज भी करता है। चौथा है हार्बोरिंग ऑफ बोन मैरो। ये बोन मैरो के निर्माण में सहायक होता है, वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।